भारत में कोरोना वायरस के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि इस वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या 320 से पार पहुंच चुकी है। वहीं कोविड-19 से महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल खासे प्रभावित हुए हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए दिल्ली को लॉकडाउन किया जाएगा। ऐसे में सारे जिले पूरी तरह से बंद रहेंगे। सीएम के मुताबिक दिल्ली में कल शाम 6 बजे से 31 मार्च तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। साथ ही राजधानी की सारी सीमाएं भी सील की जाएंगी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक कोविड-19 के चलते राजधानी में जारी सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों को भी पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है। डीटीसी बसों के संचालन में भी कटौती की गई। हालांकि इस दौरान राशन और खाने पीने की दुकानों समेत पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, एलपीजी गैस पंप खुले रहेंगे। साथ ही अस्पताल और बिजली के दफ्तर भी खुले रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर देश में जनता कर्फ्यू का असर दिल्ली में भी देखने को मिला। दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। वहीं सड़कें भी सूनी पड़ी रहीं। ओपन जिम और पार्क में भी कोई नजर नहीं आ रहा। दूध की ऑनलाइन डिलीवरी भी जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस लोगों को फूल देकर जनता कर्फ्यू के दौरान घर से ना निकलने की अपील कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।